हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू नव क्लासेस। आई एम नवदीप कौर। गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। और आज फ्रेंड्स, आपके साथ मैंने न्यू कोर्स स्टार्ट किया है फ्री क्लास में, ठीक है। सो आज रिसर्च एप्टीट्यूड हम डिटेल में शुरू कर रहे हैं आज से। इसी तरीके से ऑल 10 यूनिट्स आई एम गोइंग टू टीच यू इन डिटेल। सो जरूर से डेली क्लास लीजिए। अभी सुबह 6 बजे के आसपास सुबह क्लास हो रही है। रिसर्च एप्टीट्यूड पेपर 1 स्टार्ट फ्रॉम द बेसिक। बहुत ही बेसिक से हम स्टार्ट करने वाले हैं। सो हाउ मेनी ऑफ यू आर एक्साइटेड? सो फ्रेंड्स, अनअकैडमी पे मैं कंप्लीट पेपर 1 पढ़ाती हूँ एंड पेपर 2 कॉमर्स कराती हूँ। एक ही सब्सक्रिप्शन में यू विल गेट ईच एंड एवरीथिंग एंड आई कवर 100% ऑफ द सिलेबस और सारे कंसेप्ट्स PYQs एंड एक्सपेक्टेड MCQs में कवर कराती हूँ। तो आप सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं नव क्लासेस कोर्स से। और मेरा न्यू कोर्स फॉर न्यू लर्नर्स इज स्टार्टिंग फ्रॉम द 2nd September पेपर 1 एंड पेपर 2 कॉमर्स 17th August को ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है। उसको भी आप साथ में ले पाएंगे अगर आप सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो। सो आप देख सकते हैं पेपर 1 का कंप्लीट कोर्स 2nd September से स्टार्ट हो रहा है। पेपर 2 कॉमर्स हो चुका है ऑलरेडी। सुबह 6 बजे मेरी प्लस क्लास में क्लास होती है एक्चुअली। बस ये कोर्स हमारा 2nd September से स्टार्ट होगा तो मेरे पास सुबह 6 बजे वाला स्लॉट फ्री है, इसलिए तब तक मैं सुबह 6 बजे आपकी ये फ्री क्लास यूट्यूब पे नव क्लासेस पे ले रही हूँ। मेक श्योर कि इस क्लास को बिल्कुल भी मिस ना करें, ठीक है। कहीं ना कहीं प्लस वाले बच्चों का टाइम अभी मैं आपको दे पा रही हूँ। पेपर 2 कॉमर्स का क्लास होता है 7:30 बजे। अगर आप प्लस लेते हैं, मेरे सभी स्लाइड्स इंग्लिश एंड हिंदी दोनों में मिलते हैं आपको एंड आप लाइव भी देख सकते हो और रिकॉर्डेड भी देख सकते हो अगर लाइव मिस हो जाए तो। टेलीग्राम पे भी नव क्लासेस सर्च करके फॉलो कीजिएगा। और अपनी प्रिपरेशन के लिए फ्रेंड्स, बेसिक कॉन्सेप्ट्स तो मैं यूट्यूब पे करा ही रही हूँ और साथ ही साथ आप अपने आप को बेस्ट बनाने के लिए MCQs की बुक से ईच एंड एवरी क्वेश्चन जरूर से सॉल्व कीजिए। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एंड मल्टी आपके एक्सपेक्टेड MCQs जो मेरे बनाए हुए हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है। मेक श्योर टू गेट इट एंड यू नो अपनी जो JRF की जर्नी है उसको श्योर जरूर कीजिएगा। मेरी मेहनत से मैंने ये बुक बनाई है और आपकी मेहनत से आप अपनी JRF लेकर आएंगे, ठीक है। एंड पेपर 2 कॉमर्स अगर है तो इस पर्टिकुलर बुक में आपके कंसेप्ट्स, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एंड एक्सपेक्टेड क्वेश्चन एवरीथिंग यू विल गेट हियर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सो प्लस क्लास में मेरे नोट्स इंग्लिश हिंदी में मिलते हैं और मैं कंसेप्ट, PYQs, एक्सपेक्टेड MCQs एंड एवरीथिंग यहां पर प्रोवाइड कराती हूं। ये मेरे लर्नर्स का भी स्कोर है। मैक्सिमम मार्क्स इन पेपर 1, ऑल इंडिया रैंक 100% और हमेशा से सबसे ज्यादा मार्क्स पेपर 1 में मेरे लर्नर स्कोर करते आए हैं एंड पेपर 2 कॉमर्स भी। सो अपने साथ ही मेरी जो प्लेलिस्ट है यूट्यूब चैनल पे नव क्लासेस पे, इनका जरूर हेल्प लीजिए। और कॉमर्स एंड मैनेजमेंट के स्टूडेंट, ये जो मैनेजमेंट वाला यू नो चैनल है अपना, इसको जरूर से सब्सक्राइब कर लो। सो चलिए स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स रिसर्च एप्टीट्यूड। रिसर्च एप्टीट्यूड का सिलेबस कुछ इस तरीके से है। शुरू करने से पहले वी कैन अंडरस्टैंड द सिलेबस फर्स्ट। तो सबसे पहले आपको रिसर्च का क्या मीनिंग है, टाइप्स है, करेक्टरिस्टिक्स है, ये सब हम डिस्कस करेंगे। पोस्ट पॉजिटिविज्म, पॉजिटिविज्म, दीज ऑल थिंग्स विल बी डिस्कसिंग। तो चलिए कोशिश करते हैं कि फर्स्ट वाला पार्ट आज कवर हो जाए। यस, आर यू रेडी? सुबह सुबह उठने की आदत डालो, बहुत मजा आता है क्योंकि सुबह सुबह बहुत बड़ा जो टारगेट है अपना वो कवर हो जाता है। वेरी गुड अर्चना, मैं ये चाह रही थी कि कोई बच्चा बोले। आज मैंने हमेशा बोला है जो नव लर्नर्स है सुबह एक डिवाइड जरूर करते हैं और आपका एक डिवाइड का टारगेट सुबह खत्म हो गया ना, बहुत बढ़िया, कॉन्ग्रेचुलेशंस। चलिए आप दिन के बाकी टारगेट्स भी ऐसे ही खत्म होते रहेंगे। सो रेडी माय डियर फ्रेंड्स? चलिए जी, सो स्टार्ट करते हैं अपना रिसर्च एप्टीट्यूड, ठीक है। सो रिसर्च एप्टीट्यूड के अंदर सबसे पहले हम ये समझना चाहते हैं व्हाट इज रिसर्च, क्योंकि बहुत बेसिक से जो फर्स्ट पोर्शन है आपका आज भी वो मैं अभी आपके साथ कवर करने वाली हूँ। सो फ्रेंड्स, रिसर्च एक्चुअली क्या है? देखिए, दुनिया में ना ऐसी कोई चीज नहीं है जिसके ऊपर अभी तक आपके दिमाग में यू नो टॉपिक आए और रिसर्च ना हुई हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। आप ही बहुत बड़े फन्ने खा नहीं है। इट मींस बहुत सारे टॉपिक्स के ऊपर ऑलरेडी रिसर्च हो चुकी है, फिर हम क्या कर रहे हैं?
हम इतने सारे रिसर्चेस में से अभी भी कुछ ऐसा फाइंड करने की कोशिश कर रहे हैं कि कहीं भी एक छोटा सा इनपुट अगर हम दे पाए, ठीक है, और वो छोटे सा इनपुट आप कह सकते हो शुगर, चीनी के दाने से भी छोटा हो सकता है. यस, बिकॉज ऑलरेडी इतने सारे लोग हैं, ऑलरेडी बहुत सारे रिसर्चेस कर चुके हैं. तो बेसिकली रिसर्च है क्या? रिसर्च इज टू सर्च फॉर फैक्ट इन एनी ब्रांच ऑफ नॉलेज. एन एटीट्यूड ऑफ इंक्वायरी, हो सकता है आपकी इच्छा हो अंदर से कुछ इंक्वायरी करने की. अटेम्प्ट टू एलिसिट द फैक्ट. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एलिसिट? बहुत ज्यादा ये शब्द सुनने को मिलेगा आपको. एलिसिट का मतलब टू इलेबोरेट, टू प्रोवाइड, ठीक है, टू एक्सप्लेन. देन सिस्टमैटिक एप्लीकेशन ऑफ साइंटिफिक प्रिंसिपल्स, अ स्टेट ऑफ माइंड. तो बेसिकली रिसर्च क्या है? गुड मॉर्निंग जी, गुड मॉर्निंग. साथ साथ लिखने की कोशिश कीजिए, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि ये क्लास अगर आप फ्री वाले बच्चों को बेसिक से करने का मौका मिला है, आप इंटरेक्टिव रहे, ठीक है. हाँ, रिसर्च का मतलब है कि आप हो सकता है इतने क्यूरियस हैं कि कुछ फाइंड करना चाहते हैं, और फंडामेंटल रिसर्च वाकई में ही आज के डेट में पॉसिबल है, और मतलब कुछ नया ही फाइंड कर दें आप. इसीलिए आजकल क्या हो रहा है कि ट्रांस रिसर्च के ऊपर जोर दिया जा रहा है, मल्टीडिसिप्लिनरी रिसर्च के ऊपर जोर दिया जा रहा है, क्योंकि हो सकता है कुछ कॉम्बिनेशंस बना के आप कुछ नया इनपुट प्रोवाइड करा सके, ठीक है. यस, सो टू फाइंड समथिंग न्यू, इन एग्जिस्टिंग नॉलेज, क्या लगता है ये डेफिनेशन कैसी है? क्योंकि सारी चीजें अभी इस वक्त बहुत सारी रिसर्चेस ऑलरेडी हो चुकी है, आप इसमें भी कुछ नया फाइंड करने की कोशिश कर रहे हो. दिस इज व्हाट वी कॉल रिसर्च. रिसर्च कैन बी डन टू फाइंड समथिंग न्यू, और टू एक्सप्लेन कि कैसे वो चीज अप्लाई हो सकती है आज की डेट में, ठीक है, वो कैसे लागू हो सकती है. Yes, to find something new, we can say inductive. But to execute existing theory on particular context, to execute existing knowledge in particular context, to test it. Is this clear? So this is what we call research. मतलब हम या तो कुछ नया ढूंढ रहे हैं, या तो हमारी जो भी एग्जिस्टिंग नॉलेज है उसके अंदर कुछ लगा रहे हैं, ठीक है. हाँ जी मैम, टॉपिक से पीएचडी एंट्रेंस के एग्जाम का सिलेबस कवर हो जाएगा? हाँ ऑफकोर्स ऑफकोर्स, बिल्कुल, क्यों नहीं. पीएचडी एंट्रेंस एग्जाम में रिसर्च, स्टैटिस्टिक्स, ठीक है, और आपका पेपर टू आता है, बिल्कुल. चलिए, सो यहां तक आपको बेसिक समझ में आया रिसर्च है क्या. तो फ्रेंड्स, अब मैं आपके साथ डिस्कस करना चाहती हूं कि व्हाट इज पर्पस ऑफ द रिसर्च. रिसर्च पर्पस, रिसर्च का मेन पर्पस क्या है? तो डिस्कवर आंसर टू डिफरेंट क्वेश्चंस एंड अप्लाई साइंटिफिक प्रोसीजर्स, ठीक है, कि कुछ प्रश्न का उत्तर हम चाहते हैं, या और हम साइंटिफिक प्रोसीजर को अप्लाई भी करना चाहते हैं. तो बेसिकली जो रिसर्च का पर्पस है ना, वो क्या हो सकता है? इन्वेस्टिगेशन. इन्वेस्टिगेशन का कोई मतलब बता दें. इन्वेस्टिगेशन का मतलब होता है जांच करना, ठीक है. इन्वेस्टिगेशन का क्या मतलब होता है? जांच करना. वही रिसर्च मींस टू रिसर्च, रिसर्च अगेन एंड अगेन, ताकि आपको उसमें कुछ जांच कर सको और कुछ बता सको. इट डेवलप कंसेप्ट्स एंड थ्योरीज. तो बेसिकली हम रिसर्च के पर्पस में और क्या कर सकते हैं? कंसेप्ट्स बना सकते हैं एंड थ्योरीज बना सकते हैं. अच्छा, कोई ऐसा एग्जांपल कि वाकई में रिसर्च में फंडामेंटल कंट्रीब्यूशन भी रिसेंट ईयर में हुआ है? कोई एग्जांपल जो पहले नहीं था, अभी रिसेंटली आया, एनीथिंग. अरे ऐसा फिर भी पॉसिबल है, यू आर कंट्रीब्यूटिंग समथिंग, फिर भी पॉसिबल है जी. एनी एग्जांपल माय फ्रेंड्स,
कोई ऐसी थ्योरी जो रिसेंट ईयर्स में इवॉल्व हुई है और आगे भी इंक्रीज हो रही है। ये जरूरी नहीं है कि सिर्फ एक थ्योरी है ऐसी, ऐसी लाखों करोड़ों थ्योरीज हो सकती हैं। अरे एग्जांपल दो। ठीक है, कोविड आप कह सकते हो, कोविड का अस्तित्व 2003 में भी आ चुका था एक्चुअली, सार्स कोव वन वेरिएंट जो था, अभी सार्स कोव टू है। हाँ जी, पॉपुलेशन, पॉपुलेशन कब की है भाई, पॉपुलेशन कैसे? ओके, आई कैन गिव द एग्जांपल, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI जो आजकल बहुत ज्यादा चल रहा है, डोंट यू थिंक कि ये नया कंसेप्ट है? ये पहले नहीं निकला था, और जब इंटरनेट निकला होगा वो भी एक नया कंसेप्ट है। ठीक है, सो अभी भी बहुत सारे आविष्कार होने बाकी है, हो सकता है आप भी इस नॉलेज को इम्पार्ट कर सके। ओके ठीक है, ओके तो अलग अलग टाइप के थोड़ा सा एक्सेप्ट कर लेते हैं कि इतने बड़े समुद्र में थोड़ी सी सर्च हुई है, लाइक मंकी पॉक्स, कोविड, मैं सिर्फ बीमारियां नहीं चाह रही, मैं चाह रही हूँ कुछ नया आविष्कार हुआ हो, कुछ नया मिला हो, बिल्कुल डिफरेंट मिला हो। आप और भी एग्जाम्पल दे सकते हो, ये मैंने एक एग्जाम्पल दिया है, यू कैन गिव मी मोर एग्जाम्पल्स, दिस इज योर होमवर्क, ट्राई टू गिव 2 to 3 एग्जाम्पल्स इन कमेंट। ठीक है, तो एग्जाम्पल्स आपको देने हैं, सोचो सोचो, थोड़ा दिमाग में जोर ला लो कि ऐसी कोई न्यू थ्योरी, न्यू कंसेप्ट, नई चीज निकल के आई हो रिसेंट ईयर्स में जो कि पहले नहीं थी बट अब आई है। ठीक है, तो ये कमेंट में आपने लिखना है, मैं चैट बॉक्स चेक करूंगी बाद में। ठीक है, सो रिसर्च का पर्पस हमेशा ये रहता है कि क्या पता हम कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूट कर पाए इस दुनिया पे। अब मैंने भाई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस दे दिया है कंप्यूटर से रिलेटेड ऑप्शन, अब आपने और भी ढूंढना है। ठीक है, चलिए, सो फ्रेंड्स नेक्स्ट इज कि जो नॉलेज है, लिमिट्स है ना सारी नॉलेज की, है ना, लिमिट्स ऑफ नॉलेज, लिमिट करना है क्या इसको फिर? सो फ्रेंड्स ये जो नॉलेज के लिमिटेशंस है, लिमिट है, इसको एक्सपेंड करना है। ठीक है, व्हाट वी कॉल इट, एक्सपेंड लिमिटेशन ऑफ नॉलेज। ठीक है, एक्सपेंड मतलब कि हमारे जो नॉलेज है अभी हमें जितना पता है उसको थोड़ा और खींचना है। अगेन मैं बोल रही हूँ, ऑलरेडी बहुत सारी चीजें आ चुकी हैं, अब इसको थोड़ा सा ऐसा करा जा सकता है, और ऐसा 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 ऐसा। ठीक है, देयर सो मेनी थिंग्स टू डू राइट नाउ, इट इज टू वेरीफाई एक्सेप्टेबिलिटी ऑफ गिवन थ्योरी, ये भी कर सकते हैं भाई। यहां पर तो आप कहीं ना कहीं नया कर रहे हो, राइट? अब आप जो गिवन थ्योरी है अभी इस वक्त उसको वेरीफाई भी तो कर सकते हो, उसको लागू करके चेक कर सकते हो कि ये आज की डेट में अप्लाई होती भी है कि नहीं, इसमें हम कुछ कर भी सकते हैं कि नहीं। यस, वेरी गुड, वेरी गुड। ठीक है, मैं पढ़ रही हूं आपके एग्जांपल्स, ठीक है, लेकिन अभी मैं सबके साथ शेयर नहीं करना चाहती, सबके साथ आप शेयर करोगे कमेंट में वीडियो के बाद। ठीक है, फिर हम देखेंगे किस किस ने कौन कौन से तीर मारे एग्जाम्पल में, राइट? चलिए, अब फ्रेंड्स और क्या कर सकते हैं हम, यहां तक हो गया ना, इसके आगे चलूं मैं रिसर्च के पर्पस में, बिल्कुल बेसिक से जा रहे हैं हम। सो फोर्थ पॉइंट कैन बी, रिसर्च जो है वो एकदम जल्दी से इमीडिएटली अप्लाई नहीं हो सकती। ठीक है, इट कैन नॉट बी इंप्लीमेंटेड इमीडिएटली, सो हमें उसमें बहुत काम करना पड़ता है, इट डज नॉट डायरेक्टली इन्वॉल्व द सोल्यूशन। आप एकदम से सोल्यूशन पे आ जाओगे, दिमाग पे जोर नहीं डालोगे, यू आर नॉट डूइंग रिसर्च, यू हैव टू पुट योर एफर्ट्स। ठीक है, सो इट कैन नॉट बी इंप्लीमेंटेड इमीडिएटली, वी हैव टू हैव सम पेशेंस, राइट? सो मेन पर्पस रिसर्च का ये भी है, आपकी जो अंदर के पेशेंस है ना उसको टेस्ट करना, कि आप कितनी जगह, कितनी बार ये कहते हो गिव अप कर देते हो। हाँ, क्योंकि ये सबकी बस की बात ही नहीं है, टाइम कंज्यूमिंग है, लॉन्ग प्रोसेस है, ऐसा पॉसिबल तभी इतने सारे लोग बीच में रोक देते हैं। क्यों? क्योंकि रिसर्च में एफर्ट चाहिए, टाइम कंज्यूमिंग है, जो ये पेशेंस रख पाता है तभी वो अंडरस्टैंड कर सकता है। अगर जैसे आज मैंने बोला कि अब मैं बेसिक से करा रही हूँ, तो आपको मेरी स्पीड दिख रही होगी कि कुछ ज्यादा ही हम आराम से चल रहे हैं,
तो ये आराम का फल जो मिलेगा ये बहुत और भी बढ़िया होगा, क्योंकि हम इसके इनडेप्थ नॉलेज को अपने, एक्चुअली मेरा क्या मकसद है कि इसको रियल वर्ल्ड से कनेक्ट करो, सिर्फ थ्योरी 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 नहीं, आपको रियल एग्जाम्पल्स देनी है हर जगह, ठीक है? यस, सो नेक्स्ट समझना चाहते हैं हम कि इसका और क्या पर्पस हो सकता है रिसर्च का। सो अगर मेरे को कोई डिसीजन लेना है, दिस वेरी इंपॉर्टेंट एंड एसेंशियल टूल फॉर डिसीजन मेकिंग, ठीक है? अगर मुझे कोई डिसीजन लेना है, फॉर एग्जाम्पल आगे मैं पीएचडी करूं ना करूं, मेरे लिए ये टॉपिक अच्छा है कि नहीं, या फिर आप नया मशीन लेकर आ रहे हो अपनी कंपनी में, एक ठीक है मैं बहुत बार एग्जाम्पल देती हूँ, उसको 3 करोड़ की मशीन लेनी है, ठीक है? ऐसे तो नहीं जाके उसमें डाल देगी पैसा, पहले वो टेस्ट करेगी सैंपल के ऊपर, फिर जाके उसको देखेगी। सैंपल को टेस्ट करने से भी पहले हम मार्केट में जाते हैं, 100 तरीके की मशीन चेक करते हैं, तब जाके किसी एक को चूज करते हैं, राइट? तो सिमिलरली इट इज टूल फॉर डिसीजन मेकिंग, एंड अगर हम उसके ऊपर पहले थोड़ी रिसर्च करते हैं तो हमारे डिसीजन बेस्ट होने के चांसेस हैं। हम ये नहीं कर रहे अभी 100%, क्योंकि ये अभी सिर्फ इलेबोरेटर है ना, पायलट टेस्टिंग है, क्योंकि हम डिसीजन लेने से पहले जस्ट छोटा सा टेस्ट कर रहे हैं, तो वो पायलट टेस्टिंग है। असली टेस्टिंग होगी जब डिसीजन ले चुका होगा, उसका इफेक्ट जब चेक करेंगे, राइट? सैंपल देखना, हाउ मेनी अग्री कि भाई क्या आप लोग भी रिसर्च कर रहे हो, बताइए। हाँ जी, मेरा पेपर 2 आपकी बुक के साथ कवर हो रहा है काफी हद तक, वेरी गुड चारू, कीप ग्रोइंग। हाँ जी, आप लेते हो, आपको घर पे फ्रिज लेके आना है, टीवी लेके आना है, या फिर आपको अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन लेना है, आप बहुत ज्यादा सोचते होगे कि क्या मेरे लिए सही है नहीं है, नवदीप मैम की फ्री क्लासेस लेकर देखे पहले, नवदीप मैम ने जो पढ़ाया है वाकई मेरे भेजे में घुस रहा है कि नहीं, ठीक है? तो अगर यहाँ घुस रहा है तो वहां तो उससे ज्यादा घुसेगा। सो दिस इज हाउ वी आर ऑल्सो रिसर्चिंग, ठीक है? सो अब आप अपना 3 examples, भाई मैं चाहती हूँ कि ये वाली जो फ्री क्लास है ये तभी कंटिन्यू होगी जब आप रियल लाइफ से कनेक्ट करोगे, ठीक है? सो मैंने 3 example पीछे मांगे हैं और 3 example यहां मांग रही हूं कि जो आपने यूज किए हैं रिसेंटली अपनी लाइफ में, कुछ तो किया ही होगा, कुछ किसी चीज के बाद में आपने पायलट टेस्टिंग करी होगी, फिर आपने वो चीज ली होगी। सच्ची में मैं चाहती हूँ कि आपने कहां इसको अप्लाई किया है, लेट मी सी पायलट टेस्टिंग, ओके। देन नेक्स्ट इज, देखो कुछ ट्रेनिंग वगैरह भी इंपार्ट करनी होती है, एजुकेशनल रिसर्च इज वेरी इंपॉर्टेंट, व्हाई एंड हाउ, इसका मैं एग्जांपल देती हूँ एक, जैसे कि आपने देखा नेशनल एजुकेशन पॉलिसी आई, दिस इज रियल एग्जांपल, ठीक है? सो इसको लेकर आने से पहले प्रॉपर रिपोर्ट तैयार की गई कस्तूरी रंजन जी के द्वारा, सो वो कमेटी एजुकेशनल रिसर्च कर रहे थे ना कि हमारे लिए क्या बेस्ट हो सकता है, क्या लेकर आया जा सकता है जिससे हमारे इंडिया की एजुकेशन बढ़िया हो सके, राइट? हाँ जी, तो देखो मेरी जो बुक है वो इंग्लिश मीडियम में है, उसकी जो हिंदी मीडियम ई बुक अनलॉक हो जाएगी, बुक के अंदर ही ई बुक है, ई बुक का कोड है जो कुडोज ई लर्निंग ऐप में आप लगाओगे ना यू कैन गेट इट। तो अगर अनलॉक नहीं होगी तो आप मेरे को ईमेल कर देना, ठीक है? और जिन बच्चों ने मेरे को ईमेल किए हैं 1-2 दिन में, डेफिनेटली उनको मैं रिप्लाई करने वाली हूँ अभी आज, ठीक है? सो अच्छा, ये समझ में आ गया आपको कि एजुकेशनल रिसर्च में टीचर्स को ट्रेनिंग प्रोवाइड करानी है, लर्नर्स को ट्रेनिंग प्रोवाइड करानी है, ठीक है? या फिर आपको कुछ नया कमीशन है, उन्होंने कोई रूल पास करना है। अच्छा, एक और एग्जाम्पल देती हूँ मैं रियल लाइफ का, एनटीए ने आपके लिए सिलेबस रेडी किया, इसके लिए रिसर्च करनी पड़ती है। एनटीए ने आपके लिए क्वेश्चन पेपर रेडी किया, उसके लिए भी रिसर्च करनी पड़ती है कि आजकल क्वेश्चन किस तरीके का दिया जाए, राइट? तो दीज ऑल थिंग्स आर हियर, ओके। सो व्हाट कैन बी नेक्स्ट, रिसर्च से हम एक फायदे में रहते हैं, वो क्या, वी कैन रिड्यूस द रिस्क ऑफ फेलियर, ठीक है? रिसर्च से हम फेल होने के रिस्क को कम कर सकते हैं, रॉन्ग डिसीजंस के रिस्क को कम कर सकते हैं, क्योंकि हमने पहले थोड़ा सा एक चेक किया है कि क्या ये हम सही रास्ते पे जा रहे हैं नहीं जा रहे हैं, इज दिस क्लियर? अच्छा, आप कोई नया फोन भी लेते हो,
मैं एग्जांपल खोल रही हूँ भाई, जो तुम्हें होमवर्क दिया है, मैं ज्यादा एग्जांपल नहीं दूंगी। आप एक फोन भी लेते हो, उसके लिए भी यूट्यूब की 100 वीडियोस देखते हो, अपने फ्रेंड से पूछते हो कि कौन सा फोन है, कैसा है। सो यू आर डूइंग पायलट टेस्टिंग हियर, ठीक है। चलिए, सो अभी किस किस को पर्पस समझ में आ गया है कि वाई वी आर डूइंग रिसर्च, ठीक है। या चलिए फिर नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं रिसर्च की। मेरा होमवर्क जिस जिसने किया ना, तो उसको तो हर्ट मिलेगा ही, ठीक है। अब जिसने नहीं किया, फिर आप मजे से इस क्लास में उसका प्रोडक्टिव यूज नहीं कर रहे हो, ठीक है। साथ साथ एग्जांपल देने पड़ेंगे आपको। सो नेक्स्ट टॉपिक इज व्हाट इज एम ऑफ रिसर्च। चैट में लिख के देना आपने एम एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ रिसर्च। देखिए, जो रिसर्च के एम होते हैं उसके हिसाब से हम रिसर्च के मेथड्स फाइंड करते हैं कि हम कौन सा वाला मेथड इसके अकॉर्डिंग चूज करेंगे, ठीक है। अभी जस्ट ओवरव्यू है, सारे मेथड्स को इलेबोरेट किया जाएगा आगे वाली क्लासेस में, ठीक है जी। सो रिसर्च का बेसिकली जो एम हो सकता है आपका, वो अंदर से क्यूरियोसिटी आ सकती है आपको, आपके अंदर से हो सकता है कि हाउ दिस इज हैपनिंग, कोशिश कीजिए टाइप ऑफ रिसर्च पहचानिए मैं क्या बोलने वाली हूं। आपके अंदर से आ सकता है इज इट ट्रू, क्या ये सही है, क्या वाकई में ऐसा कुछ हो सकता है। तो हम ऐसे वाले एम को फुलफिल करने के लिए कौन सी रिसर्च करते हैं, पहचानो कौन सी रिसर्च करते हैं, बोलो बोलो जल्दी जल्दी। पेपर टू होगा कॉमर्स, आज रात को 10 बजे होगा, ठीक है। कॉमर्स वाले यूट्यूब चैनल पे, कॉमर्स वाले यूट्यूब चैनल को दोस्तों के साथ शेयर करो, खुद तो खुद भी सब्सक्राइब करो। मैंने आपको कहा था 1000 सब्सक्राइबर लेकर आओ पहले, थोड़े से बच्चे हैं 25 के आसपास। हाँ, तो फंडामेंटल रिसर्च की बात हो रही है, ठीक है। सो वी कॉल इट फंडामेंटल रिसर्च, ओके। सो नेक्स्ट टाइप ऑफ एम के तरफ चलते हैं कि और क्या सर्च कर सकते हैं रिसर्च के अंदर। एक्यूरेटली किसी पर्टिकुलर इंडिविजुअल सिचुएशन या फिर ग्रुप का करेक्टरिस्टिक्स फाइंड करना चाहते हैं। सिचुएशन, इंडिविजुअल या फिर ग्रुप, ठीक है, किसी पर्टिकुलर ग्रुप के करेक्टरिस्टिक्स कि इसमें क्या क्या है, ठीक है। इसमें हम क्या रिसर्च कर सकते हैं, हम कैसे किसी के बारे में करेक्टरिस्टिक्स में सर्च कर सकते हैं। वी कैन सी फ्रॉम डिस्क्रिप्टिव रिसर्च, हियर वी कैन यूज डिस्क्रिप्टिव रिसर्च। डिस्क्रिप्टिव रिसर्च में एक्चुअली करते क्या है, हम डिस्क्रिप्टिव रिसर्च में पुराने रिसर्चेस उठाते हैं, उनका क्या करते हैं, उनका लिटरेचर रिव्यू करते हैं, ठीक है। उनका लिटरेचर रिव्यू करके उन्होंने क्या क्या बोला है ये सब चीजें, और उसके साथ लिटरेचर रिव्यू के साथ हम सिचुएशंस को समझना चाहते हैं कि पहले क्या हुआ था, है ना। सो व्हाट वी कॉल इट हियर, वी कॉल इट व्हाट वाज, ठीक है, कि क्या था, और उसको आज की डेट में अप्लाई करके चेक कर सकते हैं। तो व्हाट इज, अभी अप्लाई नहीं कर रहे, सॉरी, अभी आज की डेट में भी उसी सिचुएशन, उसी इंडिविजुअल या उसी पर्पस की बारे में हम जांच कर रहे हैं कि व्हाट इज, इसको कैसे चेक कर सकते हैं। वी कैन यूज क्वांटिटेटिव मेथड्स टू टेस्ट इट। फॉर एग्जांपल, एनीवन कैन एक्सप्लेन, यहीं पे इसी का हम बता रहे हैं, हम क्वांटिटेटिव क्वेश्चनर भरवा सकते हैं, सर्वे कर सकते हैं, ठीक है, और क्या कर सकते हैं, इंटरव्यू ले सकते हैं, ठीक है, और केस स्टडी कर सकते हैं,
दीज आर मेथड्स टू डू डिस्क्रिप्टिव रिसर्च, ताकि आज के डेट में इसको अपडेट किया जा सके. इंटरव्यू हो गया, ठीक है. तो यस, जो था और जो है उसके बारे में सिर्फ बयां कर रहे हैं, बता रहे हैं, यहां कुछ नया नहीं दे रहे हैं. वी आर जस्ट डिस्क्राइबिंग व्हाट वाज हैपनिंग एंड व्हाट इज हैपनिंग एंड व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन देम. वी आर जस्ट डिस्क्राइबिंग. यस, अभी आप ये जो टॉपिक है अगली क्लास में कि कौन कौन से होते हैं फंडामेंटल क्या, डिस्क्रिप्टिव क्या, अगली क्लास में बहुत ज्यादा इलेबोरेट होगा, ठीक है. अभी हम हमारा मेन मकसद क्या है, ये चेक करना कि हमारी रिसर्च का क्या एम है और उस एम के हिसाब से क्या करेंगे फिर. ओके, सो ये दो पॉइंट्स हमने यहां पर कवर कर लिए हैं. नाउ और कैसा कैसा एम हो सकता है आपकी रिसर्च का. नेक्स्ट एम कैन बी कि कोई चीज हुई कैसे, क्या हुआ, कैसे हुआ, Why? What? How? And why? ठीक है, क्या, कैसे और क्यों हुआ, इस चीज के बारे में बताना चाहते हैं. एंड उसके बारे में कुछ सजेशंस भी देने हो तो दे सकते हो. तो ये कौन सी रिसर्च होगी, प्लीज इन्फॉर्म मी. हेयर वी कैन डू, अगर हमारा ये एम है, ये ऑब्जेक्टिव है, तो हम डायग्नोस कर सकते हैं. डायग्नोस्टिक रिसर्च कर सकते हैं यहां पे. यस, हां जी, हां जी, थैंक यू जी. अच्छा, अब आगे चलते हैं. अगर मेरा मेन रिसर्च का एम है कि हम किसी पर्टिकुलर प्रॉब्लम में फंस चुके हैं, हमारी सिचुएशन पैथेटिक हो चुकी है, बेकार हो चुकी है, तो उस प्रॉब्लम को सॉल्व करना चाहते हैं. अब अगर मेरी ये प्रॉब्लम सॉल्व होगी तो मेरी स्थिति जो बेकार हुई हुई है वो उससे अच्छी होगी ना, ऑफ कोर्स. तो उस सिचुएशन को इंप्रूव करना चाहते हैं, इसको ही एमेल्यूरेट बोलते हैं. तो बताइए यहां पे हम कौन सी वाली रिसर्च करेंगे. इतनी देर से जिस रिसर्च का आप नाम ले रहे हो ना, यहां वही करेंगे. मैं देख रही हूं सबको. हेयर वी कैन डू एक्शन रिसर्च, ठीक है. प्लान, एक्ट, ऑब्जर्व, रिफ्लेक्ट, विल बी डिस्कसिंग इन मोर इलेबोरेटिव वे नेक्स्ट क्लास में. आज का मेन मकसद बेसिक्स का है ना, रिसर्च एप्टीट्यूड के फर्स्ट यूनिट का फर्स्ट टॉपिक. चलिए, ये तो हो गया आपका. देन एक्चुअली व्हाई यू डिसाइडेड टू डू रिसर्च, नेक्स्ट टॉपिक इज Why to do research? बताओ, कुछ तो बोलो, मुंह का ढक्कन खोलो, जिप के लगाई हुई है. क्योंकि हो सकता है आप रिसर्च की डिग्री लेना चाहते हो, लेकिन इतना बोल के आओगे ना पेपर में या इंटरव्यू में, वहीं पे निकाल के बाहर फेंक देंगे. सिर्फ डिग्री के लिए ये सब कर रहे हो, क्या बोले फिर. अपने मन की बात तो नहीं कह सकते ना, सिर्फ इतनी सी. पैसा कमाना चाहते हो, यहां पे भी फेंक देंगे बाहर. और ऐसा क्या बोले इसके साथ कि हमें वाकई में पता चले कि यस, आई एम विलिंग टू डू द रिसर्च. To get research degree with consequential benefits. ठीक है, मतलब आप चाहते हो कि उसका फायदा भी हो, किसी कोई उसको यूज कर सके, ठीक है, लाइफ में. हां जी, तो यहां क्या हुआ था, सारे मीन क्यों गए थे, पैसा का कमाने बैठ गए थे. हाँ, ताकि पूरी सोसाइटी उसको यूज कर सके, ठीक है. अब आया समझ, समझ में न्यू थ्योरी बताना. ओके, समाज में न्यू थ्योरी बताना. अच्छा, समाज, ओके, ठीक है फ्रेंड्स.
कुछ अनसॉल्व प्रॉब्लम्स अभी भी दुनिया में रह गई है, है ना। टू सॉल्व अनसॉल्व प्रॉब्लम्स, किसी किसी को रिसर्च करने में अंतर से इंटेलेक्चुअल क्या मिलता है, जॉय मिलता है, ठीक है, अंतर से इंटेलेक्चुअल जॉय मिलता है। टू एक्ट एज सर्विस टू सोसाइटी, मतलब कि हम जो है वो सोसाइटी के लिए कुछ करना चाहते हैं, ठीक है, टू एक्ट एज सर्विस टू सोसाइटी। और हो गया, सो रिस्पेक्टेबिलिटी गेन करने के लिए ये सारी चीजें हैं, यू आर विलिंग टू डू, बेनिफिट्स है सोसाइटी के लिए। सो दीज आर रीजंस व्हाई वन पर्सन इज विलिंग टू डू द रिसर्च, ठीक है। हाँ जी, आई एम स्टूडेंट ऑफ हिस्ट्री, आई वॉन्ट टू सॉल्व माई सॉल्व द मिस्ट्री ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन, वेरी गुड। तो अभी आपका जो रीजन है वो क्या है, टू सॉल्व अनसॉल्व प्रॉब्लम्स, ठीक है। क्या इंडस वैली सिविलाइजेशन के अंदर मिस्ट्री किसी और ने खोजने की कोशिश नहीं की होगी, फिर की होगी। देन यू नीड टू रीड सो मैनी लिटरेचर रिव्यूज कि सबने उसमें किया क्या। ऑलरेडी जाओ फिर शोध गंगा में जाओ, उधर जाओ गूगल स्कॉलर पे, ठीक है। देन गो थ्रू सो मैनी लिटरेचर रिव्यूज, उस मिस्ट्री में भी अभी भी पॉसिबिलिटी हो सकती है कि वो उन्होंने बताया होगा सजेशन में कि दिस कैन बी सर्च फॉर फर्दर रिसर्च। हाँ, फाइंड करो, यस मे बी यू आर नेक्स्ट हिस्टोरियन, मतलब जो हिस्ट्री के बारे में बताता है, ठीक है, ओके। सो फ्रेंड्स, एक चीज मेरी पर्सनल तरफ से आप सबको मैं समझाना चाहती हूँ, वो ये है कि जब भी अगर आप रिसर्च कर रहे हो, दिस इज माय ओन टैगलाइन, व्हेनेवर यू आर डूइंग रिसर्च यू हैव टू कीप इन माइंड दिस पर्टिकुलर टिप। टिप क्या है, वो यही कि आप जब भी आप रिसर्च करो ना, तो अपनी रिसर्च को ट्रीट योर रिसर्च एज योर ओन चाइल्ड। ठीक है, अपने खुद के बच्चे की तरह उसको ट्रीट करो एंड नर्चर इट। इससे होगा क्या, इससे कोई फायदा मिलेगा, इससे कोई फायदा मिलेगा ऐसा करने से क्या होगा। जैसे हम अपने बच्चों के लिए सोचते हैं कि हमारे बच्चे कोई गलत रास्ते में ना चले जाए, सोचते हैं ना, ऐसे ही हम अपनी रिसर्च को भी ये देख सकते हैं कि हमारी रिसर्च कुछ गलत ना, बायसनेस ना आ जाए, मैं अपनी मर्जी से मैं ना चाहूं कि मेरा बच्चा या मेरी रिसर्च इस डायरेक्शन में ही जाए। अगर आप देखेंगे, ऐसे पेरेंट्स भी होते हैं जो अपने बच्चों का होमवर्क खुद करते रहते हैं, लेकिन आप ये देखेंगे कि बड़े होके फिर वो अपने डिसीजन खुद नहीं ले पाएगा, राइट। सिमिलरली अगर मैं रिसर्च के अंदर जो मेरा मन कर रहा है वो फाइंड करने की कोशिश करूंगी, तो मेरी रिसर्च भटक जाएगी और उसमें कुछ का कुछ निकल आएगा। और क्या हो सकता है, जैसे कोई पेरेंट है वो ये नहीं कहता कि आज बच्चा पैदा हुआ है, आज बच्चा एक साल का हुआ है, आज पीएचडी कर ले, पॉसिबल है। पेरेंट्स के अंदर भी बहुत बड़े पेशेंस की रिक्वायरमेंट है, ठीक है, और वो पेशेंस, जैसे हम अपने बच्चे को पाल पोस के बड़ा करते, जरूरी नहीं कि हाँ इसमें 18 साल तक बड़ा करना है थोड़ा कम टाइम लग सकता है, लेकिन स्टिल यू हैव टू हैव दैट पेशेंस दैट यू वर हैविंग इफ यू हैव योर ओन चाइल्ड, ठीक है, उसके साथ उसको आप नर्चर कर रहे हो वैसे, समझे। सो ऐसा नहीं है कि आज रिसर्च चालू करी मैंने और कल मैं थीसिस निकाल के दे दूं, ये लो होगी। काम करना पड़ता है, दिमाग खराब करना पड़ता है, ठीक है। जब आपका वाकई में ही माइंड खराब होगा कि क्या हो रहा है, ये सब क्यों नहीं निकल रहा, इसके कॉम्बिनेशन ऐसे क्यों नहीं बन रहे, तब आप समझ में आएगा कि हाँ मैं बना देता हूँ हम फाइंड कर लेते हैं ये, ठीक है।
ओके सो फ्रेंड्स, रिसर्च जो होती है ना वो अलग अलग डोमेन्स में भी की जा सकती है. आजकल रिसर्च का बहुत बढ़िया सा ट्रेंड चल रहा है. हाँ जी मैम, आप ये रिसर्च कर सकते हैं कि रोड एक्सीडेंट क्यों होते हैं, क्या कारण है सबका, ब्रेकर जिम्मेदार है या कार की स्पीड या ड्रिंक चलाना, ड्रिंक करके चलाना. देखो राज, आज राज आए हैं क्लास में. भाई आप ये कह रहे हो कि क्यों होते हैं, इसमें राज आपने आंसर खुद ही दे दिया कि क्यों होते हैं. देखिए इस चीज का आंसर तो आपने खुद ही दे दिया ना, आपने खुद ही तो बोला है कि ब्रेकर जिम्मेदार है. ठीक है, लेट्स एक्सप्लोर कि राज अगर फाइंड करना चाहता है तो क्या फाइंड कर सकता है इसमें. ठीक है, आपने बोल दिया स्पीड में कार चलाना. ओके, बाकी सब लर्नर्स भी एक बार देखिए, मजा आएगा. और आपने बोल दिया ड्रंक एंड ड्राइव. और कुछ मैं बता देती हूँ, ये भी हो सकता है कि कुछ लोग अपने क्या कहते हैं, शेखी दिखाना चाहते हैं, उसको क्या बोलेंगे, स्टाइल टाइप में जानबूझ के इस तरीके से स्टंट, स्टंट वी कैन से स्टंट करना चाहते हैं, इसलिए कर रहे हैं. लेकिन ये वाई तो आप खुद ही बता रहे हो, फिर आप इस पे रिसर्च कैसे करोगे. आप ये कह सकते हो हाउ, अच्छा आप इस पे रिसर्च कर सकते हो हाउ पीपल कैन बी रिस्पॉन्सिबल फॉर देयर ओन यू नो जो भी वो कर रहे हैं, हाउ मैनेजमेंट कैन बी रिस्पॉन्सिबल. या फिर अब ये सब तो हो गया है ना, जो हो गया फिर उसको और क्या रिसर्च करोगे. आप ये कर सकते हो कि कैसे यू नो जागरूकता जगाई जा सकती है, या फिर कैसे यू नो टूटी हुई रोड है कोहिनूर पे करना चाहती हो तुम रिसर्च, कोहिनूर पे क्या रिसर्च करोगी. थोड़ा कुछ सोचो इसके ऊपर भी, आप लिटरेचर व्यू करो, उसके कॉम्बिनेशन बनाओ. ठीक है, तो वही सारे जो कॉम्बिनेशन है उसको बनाना मैं सिखाती हूँ. चलो आज आपकी रिसर्च करवा देंगे. व्हाट यू कैन डू, यू कैन डू इंट्रा डिसिप्लिन रिसर्च. ठीक है, सो रिसर्च डिफरेंट डोमेन्स में कैसे की जा सकती है. इंट्रा डिसिप्लिनरी, इसका क्या मीनिंग है, मुझे जवाब तो चाहिए आपसे, बिना आपके जवाब के मैं नहीं आगे बढ़ रही. इंट्रा मतलब अपने आप के, सेल्फ के. ठीक है, मतलब जो आपका खुद का डिसिप्लिन है उसी के अंदर आप रिसर्च करें, इंट्रा डिसिप्लिनरी. हाँ जी बोलो मैम, कॉमर्स की स्टूडेंट हूँ क्या होमोसेक्सुअल पे स्टडी कर सकता हूँ. हाँ करो, उसको आप मार्केट से लिंक कर सकते हो, उसको आप बिजनेस का न्यू, अच्छा आइडिया दे रही हूं मैं, आप पूछो मजा आएगा. आप होमोसेक्सुअल को एक डिफरेंट ऑल टुगेदर मार्केट ले सकते हो एक कंपनी के द्वारा. अभी तक स्पेशली इनके लिए प्रोडक्ट है, क्योंकि ये लोग भी यू नो अब इतने एडुकेटेड हो गए हैं और यू नो अपनी लाइफ में हमारी तरह अच्छा स्टेटस बना रहे हैं. वो लोग भी स्टडी में आ रहे हैं, टीचिंग में आ रहे हैं, पीएचडी में आ रहे हैं और भी बहुत सारी चीजों में आ रहे हैं. तो व्हाई वी आर नॉट केटरिंग टू ऑल दी थिंग्स. आप इसको उनकी साइकोलॉजी बताना की कोशिश कर सकते हो बिजनेस से बिजनेस. अच्छा आप ह्यूमन रिसोर्स के अंदर भी रिसर्च कर सकते हो, क्यों नहीं, हर एक फील्ड में कर सकते हो. ह्यूमन रिसोर्स में कैसे, कि जैसे हम अपने, आप अभी फॉर्म भरते हो उसे मेल फीमेल एंड ट्रांसजेंडर्स भी आता है, तो व्हाई वी आर नॉट टेकिंग हिम एज अ एम्प्लॉय एंड हाउ देयर नॉलेज कैन इम्पार्ट. तो बहुत सारी चीजें हो सकती है. ठीक है, ओके. हालांकि होमोसेक्सुअल और ये जो ट्रांसजेंडर है और भी बहुत सारी ऐसे ऐसे टर्म होती है, ये सारी एग्जैक्टली सेम नहीं है, बट यू कैन कीप देम इन वन यू नो बास्केट एंड उनके ऊपर रिसर्च किया जा सकता है. क्योंकि एक लर्नर थी भी मेरी, आपको याद होगा सक्सेस स्टोरीज मैंने शेयर की थी. ठीक है, तो आप सक्सेस स्टोरीज, ERF सक्सेस स्टोरी या PhD सक्सेस स्टोरीज के अंदर चेक करेंगे, उन्होंने ये टॉपिक लिया भी है PhD में. अच्छा जी चलिए अब आगे चलते हैं. इंटरडिसिप्लिनरी का मतलब क्या होता है, इंटरडिसिप्लिनरी अपने ऊपर रिसर्च नहीं कर रही,
सिंगल डोमेन पे रिसर्च करनी है, ठीक है, सिंगल टॉपिक के ऊपर, डिसिप्लिन के ऊपर रिसर्च करना, मतलब जो मेरा रिसर्च एरिया है बस उसी के अंदर अगर मैं रिसर्च कर रहा हूं तो दैट इज इंट्रा. इज दिस क्लियर? नेक्स्ट कैन बी क्रॉस डिसिप्लिनरी. सो क्रॉस डिसिप्लिनरी में क्या होता है, इसके अंदर क्या होता है कोई बता दे. एक ही डिसिप्लिन है, अगेन वन डिसिप्लिन, बट उसको व्यू करना फ्रॉम अदर्स पॉइंट ऑफ व्यू. ठीक है, दूसरों के नजरिए से देखना फ्रॉम अदर्स परस्पेक्टिव, सो दैट कैन बी योर क्रॉस डिसिप्लिनरी. ठीक है, खुद के हिसाब से उस टॉपिक को चूज कर सकते हैं, हर एक टॉपिक को चूज कर सकते. बिल्कुल, कि आप वही तो समझाने लगी हो ना कि कैसे कैसे टॉपिक को चूज कर सकते हैं. तो क्रॉस के अंदर एक ही डिसिप्लिन है, एक ही टॉपिक है, लेकिन उसको दूसरे के नजरिए से देखना. अच्छा, अभी आपने जो टॉपिक बोला ये एग्जैक्टली कॉमर्स का सीधा टॉपिक नहीं है, लेकिन आप दूसरे डिसिप्लिन से, आप ह्यूमैनिटी से वो टॉपिक उठाकर लाए, उसको कॉमर्स में लिंक करने की कोशिश कर रहे हो. ठीक है, सो खैर वो एक अलग चीज है. यहां पर एक ही डिसिप्लिन है, कोई भी एक टॉपिक, उसको आप डिफरेंट डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहे हो. फॉर एग्जाम्पल, कोविड एक्चुअली आपको क्या लगता है, साइंस का टॉपिक है? कोविड एक बायोलॉजिकल वायरस है जो कि साइंस का टॉपिक है, राइट? लेकिन हम इसको ये देख रहे हैं कि इस कोविड की वजह से डिजिटल इंडस्ट्री कितना ग्रो हुई. इस कोविड की वजह से यू नो डिजिटल इंडस्ट्री इज समथिंग डिफरेंट देन साइंस. ठीक है, और इसके अलावा आपकी जो प्लास्टिक इंडस्ट्री है या फिर मेटल इंडस्ट्री है वो कितना ग्रो हुई, फाइबर इंडस्ट्री कितना ग्रो हुई, क्योंकि एक्चुअली इसके इंजेक्शन उसमें डल रहे हैं. यू कैन सी दिस पर्टिकुलर फ्रॉम डिफरेंट डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू. ठीक है, सो दिस इज व्हाट वी कॉल क्रॉस डिसिप्लिनरी. इज दिस क्लियर? किसी और रिसर्च को देखिए, क्रॉस को समझ लिया आपने. देन नेक्स्ट इज मल्टी डिसिप्लिनरी, यही लिख देती हूं. मल्टी डिसिप्लिनरी में क्या करते हैं हम, पीपल फ्रॉम डिफरेंट एरिया वर्किंग टुगेदर. आप कहते हो मैम मैं अकेले तो रिसर्च नहीं कर सकती इस टॉपिक के ऊपर, इन्हें नहीं कर सकता, तो आप अलग अलग लोग, पीपल अलग अलग एक्सपर्टीज के, अलग अलग डोमेन के साथ काम कर रहे हो और उस टॉपिक के ऊपर रिसर्च कर रहे हो, क्योंकि हो सकता है आपका अकेले का एक्सपर्टीज इसमें काम नहीं करेगा. इट इज व्हाट वी कॉल मल्टीडिसिप्लिनरी. मल्टीडिसिप्लिनरी में अलग अलग एरिया के एक्सपर्ट आपस में मिलके साथ में रिसर्च करते हैं. इज दिस क्लियर? हां जी. क्या दिमाग के ऊपर रिसर्च करनी है? करो रेनू, मना किसने किया है? अच्छा, नेक्स्ट इज इंटरडिसिप्लिनरी. इंट्रा तो समझ में आता है, व्हाट इज इंटर? इंटर डिसिप्लिनरी, इंटीग्रेटिंग नॉलेज ऑफ डिफरेंट डिसिप्लिन. एक्चुअली वो आप ये कर रहे थे, ठीक है, ठीक है, अलग अलग डिसिप्लिन की जो नॉलेज है उसको साथ में मिक्स कर रहे हो, इंटीग्रेट कर रहे हो, रियल सिंथेसिस बना रहे हो इन सबका. फॉर एग्जाम्पल, कोई टॉपिक आपने मैथ्स का ले लिया, कोई आपने साइंस का ले लिया, कोई आपने हिस्ट्री का ले लिया, कोई आपने ह्यूमन का ले लिया, इनको मिक्स करके एक नया चीज कर रहे हो. दिस इज व्हाट वी कॉल इंटर. जरूरी नहीं कि सिर्फ मैंने चार पांच बोले तो चार पांच करने हैं, ठीक है. हाँ, आप कोई दो भी कर सकते हो. इज दिस क्लियर? जी हाँ जी. दो लोग, दो अलग अलग डिसिप्लिन की बात हो रही है यहां पर. ओके, देन नेक्स्ट इज ट्रांस डिसिप्लिनरी. ठीक है,
सो ट्रांसडिसिप्लिनरी क्या होता है? इसका मतलब है इसका मतलब है क्रिएटिंग यूनिटी ऑफ इंटेलेक्चुअल वर्क बियॉन्ड डिसिप्लिनरी पर्सपेक्टिव। इसका एक एग्जांपल कोई रियल लाइफ से देना चाहेगा? एक सेकेंड। यहां इसका एक्सप्लेनेशन क्या है कि एक पर्टिकुलर डिसिप्लिन के बियॉन्ड चले जाना, ठीक है, एक पर्टिकुलर चीज पे हम काम कर रहे हैं उसके बिल्कुल बियॉन्ड चले जाना, उसके अंदर ट्रांस कर देना, उसके अंदर खूब जाना। एग्जांपल बताओ, मैं रियल लाइफ एग्जांपल दे सकती हूँ, मैं चाह रही हूँ आप भी दो। अच्छा मैं दूंगी, फिर उसके बाद तुम दोगे दूसरा, है, फिर इसके ऊपर भी एक एग्जांपल एटलीस्ट और देना पड़ेगा। एग्जांपल के लिए आप इंटरनेट की दुनिया में ही जा रहे हो, ठीक है, इंटरनेट की दुनिया में ही रिसर्च हो रही है, ये एक डिसिप्लिन है। क्या है? इंटरनेट है, चलाते हैं, तेज भागता है, लेकिन इसके अंदर इसको यूज करके मेटावर्स बना दिया गया। उस चीज में आप उधर जा रहे हो जहां कोई सोच भी नहीं सकता है, उसके अंदर घुस के बहुत दूर तक यू आर डूइंग समथिंग, राइट? सो दिस कैन बी एग्जांपल। कोई और एग्जांपल देकर दिखाना अगर दिमाग काम कर रहा है उस लेवल का, क्योंकि सबके अंदर माइंड है, कुछ तो सोचो। मैंने आपको तीन तीन करके दो क्वेश्चन पूछे हैं और एक ही पूछा है, ठीक है, उसके अंदर बहुत अंदर घुस के कहीं दूर चले जा रहे हो, दैट इज एग्जांपल ऑफ ट्रांसडिसिप्लिनरी रिसर्च। ओके, ठीक है। सो फ्रेंड्स, ये तो अभी आपको समझ में आ गया। अब मैं जरा चेक करूं कि आज के टॉपिक में से मुझे और क्या पढ़ाना है आपके सिलेबस में से। तो मीनिंग हो गया रिसर्च का, ठीक है, करेक्टरिस्टिक्स हो गया आपका, और उसके बेसिक करेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं, एम क्या है, ये सब समझ में आ गया आपको। तो अभी मैं पहले आपको रिसर्च के टाइप्स करा दूं, व्हाट आर टाइप्स ऑफ रिसर्च, ठीक है, क्योंकि मेथड ऑफ रिसर्च वी विल बी डूइंग इन नेक्स्ट क्लास ऑफ कोर्स। सो आज के टॉपिक में से टाइप ऑफ रिसर्च करते हैं। अच्छा, राइट, जो रिसर्च के टाइप्स हैं उनको समझेंगे। हाँ जी, जैसे घर में लड़ाई होती है तो उसके अंदर हम घुसे चले जाते हैं। अच्छा, ये अलग ट्रांसडिसिप्लिनरी है। अच्छा, आगे कम करने की कोशिश करते हैं, पड़ोस में हो तो उसके उसे आराम से देखते हैं, ठीक है, देखो भाई, ठीक है, ट्रांसडिसिप्लिनरी में दिमाग अलग तरीके से काम कर रहा है। ओके, रियल लाइफ एग्जांपल है, उसने गलत क्या किया है? हाँ बोलो। जैसे जो जियो का सिम पहले फ्री आया था, अब चार्जेस लगाना शुरू कर दिए, वो तो हो गया, पेनिट्रेशन स्ट्रेटेजी थी उसकी, ठीक है। और कुछ, ठीक है, अगर टाइप ऑफ रिसर्च करा दूं, सो रिसर्च को जो बांटा जाता है टाइप्स के लिए, वो अलग अलग तरीके से बांटा जाता है, तो उसमें अलग अलग तरीके की रिसर्च आती है, ठीक है, ध्यान से देखें, ऑन द बेसिस ऑफ आउटकम ऑफ द रिसर्च, रिसर्च के आउटकम के बेसिस पे रिसर्च के टाइप्स आपको बताने हैं, ठीक है, कौन कौन से होते हैं कोई बताए भाई, मेरे को चाहिए जवाब चाहिए, आउटकम कैसे चाहते हो? आउटकम एग्जांपल के लिए कुछ न्यू फाइंड करना है या फिर ओल्ड वाले को टेस्ट करना है, तो आउटकम के बेसिस पे आपकी जो रिसर्च है वो कैसे कैसे यूज हो सकती है,
फंडामेंटल और आपकी अप्लाइड, ठीक है, फंडामेंटल रिसर्च भी कर सकते हो आप और अप्लाइड रिसर्च भी कर सकते हो. इज दिस क्लियर? सो ये बहुत ध्यान रखना, आप आउटकम के बेसिस पे आप किस तरीके की रिसर्च कर सकते हो, ये आउटकम के बेसिस पे ये इसका टाइप है, इसमें हम ये मेथड लगा रहे हैं. ये समझ में आ रही है? यस. देन नेक्स्ट टाइप ऑफ रिसर्च इज टाइप ऑफ डाटा कैसा यूज कर रहे हो. ठीक है, विच टाइप ऑफ डाटा यू आर यूजिंग. रिसर्च कैन बी क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव. हियर टाइप ऑफ डाटा ऑफ कोर्स कॉमन सेंस है. ठीक है, रिसर्च का डाटा आपका क्वांटिटेटिव भी हो सकता है, क्वालिटेटिव हो सकता है. क्वांटिटेटिव एग्जांपल लाइक आप जिसको काउंट कर सको, वेट मेजर करना. ठीक है, ओजोन का जो डॉप्सन यूनिट है उसको मेजर करना कि कितनी है ओजोन लेयर की. दीज आर क्वांटिटेटिव विच कैन मेजर. एंड क्वालिटेटिव किसी के फीचर्स, किसी के बिहेवियर को समझना. दीज कैन बी क्वालिटेटिव, किसी का कल्चर को समझना. अच्छा, सेंसस करना, जनगणना करना, ठीक है, क्वांटिटेटिव में आ जाएगा. ओके, सो दीज आर टू टाइप राइट नाउ. ये दो टाइप आपको समझ में आ गए. आगे चलते हैं हम थर्ड टाइप के साथ. और कैसे रिसर्च कर सकते हैं आप? ठीक है, ऑन बेसिस ऑफ कॉन्टैक्ट रिसर्च कैन बी क्लासिफाइड एज कॉन्टैक्ट. फोन नंबर लेना है इसके अंदर, है ना, बहुत अच्छा काम है ये लोग. मतलब किस तरीके का हम कॉन्टैक्ट कर रहे हैं किसी ऑडियंस या रिसर्च के वेरिएबल्स कंस्ट्रक्ट के साथ. सो दिस कैन बी योर क्रॉस सेक्शनल, दिस कैन बी लॉन्गिट्यूडनल. ठीक है, सो दिस कैन बी योर लॉन्गिट्यूडनल. सो फ्रेंड्स, क्रॉस सेक्शनल में क्या होता है? क्रॉस मतलब आपस में कंपेयर करना. ठीक है, तो क्रॉस सेक्शनल में आप क्या करते हो, सेम टाइम में, मतलब एक वक्त है. लाइक आई वॉन्ट टू डू क्रॉस सेक्शनल रिसर्च अमंग योर फ्री लर्नर्स एंड योर प्लस लर्नर्स. सो एक टाइम पे मैं दो को आपस में मेजर कर लूंगी. ठीक है, यस, सेम टाइम पे डिफरेंट सैंपल के साथ रिसर्च करना. ठीक है, अब डिफरेंट एक सैंपल नहीं है तो फिर डिफरेंट सैंपल ग्रुप भी कह सकते हो. तो उसको कह सकते हैं हम फ्री प्लस आइकॉनिक के अंदर मेजर कर सकते हैं कि इनका कैसा चल रहा है. ठीक है, सो दिस कैन बी क्रॉस सेक्शनल. एंड व्हाट इज योर लॉन्गिट्यूडनल? लॉन्गिट्यूडनल इज सेम सैंपल या ग्रुप. Over a period, different time पे रिसर्च करना. सेम सैंपल या ग्रुप के ऊपर हम रिसर्च कर रहे हैं, डिफरेंट टाइम, ओवर द टाइम पीरियड तक रिसर्च कर रहे हैं. दैट इज वट वी कॉल लॉन्गिट्यूडनल. फॉर एग्जाम्पल, हमारे पास सुकन्या है क्लास में. तो सुकन्या का हमने टेस्ट किया कि ये अपनी क्या कह सकते हैं, 10th क्लास में किस तरीके का स्कोर करती थी, ये अंडर ग्रेजुएशन में कैसी थी और पोस्ट ग्रेजुएशन में कैसा स्कोर रहता था और या रह रहा है, जो भी है. एंड नाउ नेक्स्ट जेआरएफ में इसके हिसाब से इसका कैसा आगे ट्रेंड रह सकता है. सो एक पर्सन पे हम बहुत डिटेल तक जा रहे हैं, देन दैट कैन बी योर लॉन्गिट्यूडनल रिसर्च.
इसको करने के लिए बहुत ज्यादा पेशेंस चाहिए, ठीक है, इसको करने के लिए बहुत समय चाहिए, साइकोलॉजी ऑफ पीपल ड्यूरिंग लॉन्ग टाइम आफ्टर लॉन्ग टाइम, ठीक है, आप कह सकते हो, तो दैट कैन बी योर लॉन्गिट्यूडनल। अच्छा, तो अभी हमने रिसर्च के जो टाइप्स हैं वो तीन तरीके से पढ़े हैं, फोर्थ, और बाद में आपने लिख के देना है आपने कौन कौन से टाइप्स पढ़े। हाँ जी, ऑन बेसिस ऑफ ऑब्जेक्टिव ऑफ द रिसर्च, रिसर्च का मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, और मैं ऑब्जेक्टिव ऑफ रिसर्च पीछे बता चुकी हूं आज की क्लास में, याद होगा आपको, एम एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ रिसर्च, मैंने जहां एम बताई थी, ठीक है, वही ऑब्जेक्टिव है। तो फ्रेंड्स, जैसे एग्जांपल के लिए आपको को समथिंग न्यू फाइंड करना है तो बोलो कौन सी करोगे, मेरे को प्रॉब्लम सॉल्व करनी है तो कौन सी करोगे, मेरे को इंडिविजुअल या सिचुएशन के करेक्टर बताने हैं तो कौन सी करोगे। अच्छा, ये फिलिंग द ब्लैंक भर ही देना आप, ठीक है, ये क्वेश्चन ही पूछ लेती हूँ मैं, ओके और कैसे कर सकते हो, किसी के कल्चर के लिए, ऑल्दो हम सारी डिटेल में पढ़ेंगे, किसी को कहानियां सुनानी है, ओके, आई वॉन्ट कि आप ये फिलिंग द ब्लैंक्स भरो, इसको डी कर देती हूं, 1, 2, 3, 4, 5, मुझे प्रिलिमिनरी टेस्टिंग करनी है, तो कौन से रिसर्च करोगे, गवर्नमेंट ये कुछ स्कीम्स निकली हुई है उसको उसके बारे में रिसर्च करनी है तो कौन से रिसर्च करोगे, ठीक है, ये तो अभी होमवर्क है, मेरे को पता है कि अभी आपने रिसर्च ये टाइमर भी चालू हो गया, अभी आपने रिसर्च पढ़ा नहीं है पूरा, क्योंकि वी आर स्टार्टिंग इट टुडे ओनली, है ना, तो अगला टॉपिक जब मैं पढ़ाऊंगी तब भी कोशिश करेंगे कि आपको सभी क्वेश्चंस के आंसर आप दे पाओ, अभी मेरे को लगता है इन सब के तो आंसर आप दे पाओगे, वहां पे अगर अभी रुक भी गए तो कोई बात नहीं, या फिर स्कीम वाले पे। अब मेरी बात सुनो, इस क्वेश्चन का आंसर आप आज देने की कोशिश करो, कल मैं जब इसके ऊपर कंटिन्यूएशन में क्लास लूंगी, कल मैं क्या पढ़ाऊंगी आपको, कल मैं आपको करवाने वाली हूँ मेथड ऑफ रिसर्च, ठीक है, तब आप ज्यादा अच्छे से कवर कर पाओगे कि कौन सा वाला मेथड किस टाइप के रिसर्च में लगेगा, ठीक है। इसमें से पोस्ट पॉजिटिविज्म पॉजिटिविज्म वाला जो टॉपिक है, मतलब अभी हमने आज डे वन में किया है, ये नोट कर लेते हैं, मैं भी इसके हिसाब से क्लास लूंगी ना, फिर डे वन में हमने इसका पहला पार्ट करा है और उसके अलावा काफी ज्यादा ही कर लिया है, ठीक है, डे टू में हम ये करने वाले हैं मेथड ऑफ रिसर्च, और डे थ्री में पॉजिटिविज्म पोस्ट पॉजिटिविज्म, वाई, क्योंकि पॉजिटिविज्म पोस्ट पॉजिटिविज्म तब तक समझ नहीं आएगा जब तक मेथड ही नहीं पढ़े हुए, कैसे कर लोगे, मेथड तो पहले पढ़ लो, ठीक है, देन अभी डे टू थ्री हमारे डिसाइडेड है कि हमें अभी क्या करना है, उसके बाद हम डेफिनेटली आगे करते रहेंगे। और ये जो मैंने क्वेश्चन पूछा है इसका आंसर आज जो समझ में आया उसके हिसाब से दो, और कल डे टू में मैं जब बताऊंगी कि मेथड कौन कौन से है फिर मेरे को दोबारा इसका आंसर देना, कि ये तो नहीं आपने आज गलत किया हो, ठीक है, लेट्स सी। सो आज के जितने भी होमवर्क है जरूर से आपने सबने करने, क्योंकि प्रॉपर हम बेसिक से चल रहे हैं जैसे स्कूल कॉलेज में चलते थे, तो स्कूल कॉलेज की तरह होमवर्क भी मिलेंगे, और वो होमवर्क आपने चार्ट में लिखने हैं, ठीक है, तभी हम टेस्ट कर पाएंगे और आपको हर्ट दे पाएंगे दिल, ओके। चलिए, अपने फ्रेंड के साथ वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, और क्योंकि मुझे लगता है इस नए इनिशिएटिव जो मैंने लिया है इसमें काफी मजा आने वाला है, और अगर आपको भी मजा आएगा, रीड करके सुनाओ, न्यू किसमें करते हैं, प्रॉब्लम किसमें सॉल्व करते हैं, अच्छा, इंस्टीट्यूशन या सिचुएशन को के करेक्टर किसमें बताते हैं, कल्चर, स्टोरी, प्रिलिमिनरी फिजिबिलिटी टेस्टिंग किसमें करते हैं, और स्कीम्स के बारे में चेक करना कोई गवर्नमेंट ने निकाली है तो, ठीक है। सो ये 7 क्वेश्चन है इसमें, ओके, सो ज्यादा से ज्यादा शेयर करना है भी सबके साथ, ठीक है, और साथ में अगर आप ये क्लासमेट से ले रहे हो और साथ में ये एमसीक्यूज के लिए क्वेश्चन बैंक सॉल्व कर रहे हो
तो सोने में सुहागा हो जाएगा। ठीक है, जो टॉपिक पढ़ रहे हैं हम, जैसे रिसर्च एप्टीट्यूड मैंने यूनिट वाइज क्वेश्चंस डाल रखे हैं, तो यूनिट वाइज उसी तरीके से इसमें से भी आपने एमसीक्यूज के ऊपर सॉल्व करने हैं इस टॉपिक से रिलेटेड सारे। सो अभी भी आप इसको ले सकते हैं अमेज़न या फ्लिपकार्ट से, और ऊपर मैंने लिंक दिया है, एंड दिस विल हेल्प इन दिस सेशन एंड न्यू सेशन एज वेल। तो अभी आप ले सकते हो निश्चिंत होकर, ठीक है, बिल्कुल ये चलेगा आपका आगे भी। एंड पेपर टू कॉमर्स का भी, कॉमर्स वाली क्लास में होगा सब कुछ, कॉमर्स वाले नया चैनल जो बनाया उस पर, ठीक है, नेट JRF कॉमर्स एंड मैनेजमेंट, तो उसको ज्वाइन कर लो, उसमें आज रात को 10 बजे भी क्लास होगी। सो सब्सक्राइब के साथ बेल आइकन भी दबाइए, और अपने सारे फ्रेंड्स के साथ वीडियो को शेयर करना, अपने आप को प्रूव करके दिखाना है, ड्रीम बिलीव एक्ट एंड अचीव। थैंक यू, एंड गिव योर फीडबैक, रिव्यू करो क्लास को कमेंट में कि कैसी लगी, ठीक है। ड्रीम बिलीव एक्ट एंड अचीव, जिम JRF इज माइंड, ठीक है, डब्बा इन जिम इज वेरी इंपॉर्टेंट। थैंक यू।